ये कुछ भी कर सकते हैं, ये बिना लड़े सरकार बना सकते हैं, एक विधायक पर सरकार बना सकते हैं, ये कुछ भी इनसे संभव है। ये विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और इन्होंने राजनीति विज्ञान के सिलेबस में मैंडेट मैनेजमेंट के कई सारे अध्याय जोड़ दिए हैं। तो इनसे कुछ भी संभव है। अब तो चुनाव लड़ने और जीतने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप सरकार बना लेंगे, क्योंकि मैंडेट मैनेजमेंट का जो स्कूल है वो वही चाहेगा जो वो चाहते हैं। सर, कोविड को लेकर विपक्ष बढ़ता जा रहा है, अपोजिशन पूछ रहा है, तमाम सवाल आपने खड़े किए, राहुल गांधी बोल रहे हैं पूरे देश को कब वैक्सीन मिलेगी, दूसरी तरफ मोदी जी मीटिंग कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को ये मीटिंग फौरी तौर पर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार के वेव्स आ रहे हैं लोग डर गए। जो मार्च अप्रैल मई के महीने में हमने गंभीरता देखी थी उसको काफूर होता हुआ देखा। कई राज्य सरकार इवन केंद्र सरकार के लोग बिना लड़ाई जीते अपनी पीठ खुद तपाने लगे। कई लोग ये कहने लगे कि फलाने देश की तुलना में हमारे देश में सिर्फ इतनी मौतें हुई हैं, जाके जरा उन घरों से पूछिए जहां से साया उठा है। तो ये असंवेदनशील बयान कहीं ना कहीं, और मैं तो बार बार आग्रह करूंगा कि कोरोना के इस दौर में जब आप कहते हैं कि आपकी व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, तो 5-5 पेज के विज्ञापन राज्यों को भी कहिए रोके, केंद्र भी रोके, और इन पूरे पैसों का इस्तेमाल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे को बढ़ाने के लिए, क्योंकि लड़ाई लंबी है और इसका एहसास होना चाहिए। सर, जिस तरह से जो फैसला था को लेकर तमाम विवाद हो रहा था, कैसे? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक स्पिरिट में अगर है, और अगर लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर किसी भी चीज़ का विरोध किया है, और जाहिर तौर पर ये जिस तरह का कि अमेंडमेंट की कोशिश हो रही थी वो अलोकतांत्रिक था, मैं शुक्रिया अदा करूँगा। कम से कम लोगों की आवाज़ सुन करके उनके अपील के आधार पर कम से कम मुख्यमंत्री जी ने केरला के वापस तो लिया। यहाँ तो ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी कहते रहिए वो कहेंगे नो माय वे और हाईवे। सर, जिस तरह से बिहार के एमएलए करुण इकबाल ने हिंदुस्तान शब्द कहने पर शपथ के दौरान ऐतराज जताया और भारत कहने पर वो आए, कैसे देखिए? देखिए, मैं तो सीधी सी बात मानता हूँ कि हमारा देश अद्भुत दौर में पहुंच गया जहां हम ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो मुद्दे कभी हमारे लिए इस मुल्क के लिए, जैसे मैं उदाहरण के दूं, बापू हों, नेहरू जी हों, सुभाष बाबू हों, वो हिंदुस्तान ही कहते रहे अपने खतों में, अपनी चिट्ठियों में, अपने अपील में, संविधान में भारतवर्ष। तो ये भारत बनाम हिंदुस्तान कभी इस मुल्क में हो जाएगा ये कभी हमने सोचा ही नहीं था। तो ये जाहिर तौर पर ये उल्टे पांव की यात्रा बीते कुछ वर्षों में हमने शुरू की है, अब हम अंधे गुफे में पहुंच गए हैं, रोशनी का सुराग नहीं है।